मैं यही हिदायत सबको दूंगा। और बाकी चंद्रशेखर बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, इन चीजों से, इन वारदातों से उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हिम्मत वाले हैं। बीते दिनों आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली और चोटें आईं। जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की, तो दूसरी तरफ तमाम नेता चंद्रशेखर का हाल जानने उनके घर और अस्पताल पहुंच गए। इन सब के बीच जयंत चौधरी भले ही चंद्रशेखर से मिलने नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने सोमवार को बागपत में एक बड़ी बात कह दी। बागपत में किसान भवन के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे जयंत चौधरी ने कहा कि चंद्रशेखर बहुत बहादुर आदमी है, यह हमला जंगल राज का प्रमाण है। बिल्कुल, ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, जातिवादी जहर से बचना चाहिए। जो लोग ऐसे नफरत को पना देते हैं, अपने दिल में जगा देते हैं, वे खुद तबाह हो जाएंगे, वे खुद भस्म हो जाएंगे उन आगों में। तो मैं यही हिदायत सबको दूंगा। और बाकी चंद्रशेखर बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, इन चीज़ों से, इन वारदातों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हिम्मत वाले हैं। मेरी उनसे बात हुई है और वो हर चीज के लिए तैयार। 2024 में क्या मुद्दे लेकर रहे हैं जो जीतने, क्योंकि दो बार चोट खा चुके हैं यहाँ पर। चोट तो लगती रहती है, किसानों को भी चोट लगती रहती है, वो उनको नजरअंदाज करता है, फिर उठता है, कल नया सवेरा है। 2024 में वो क्षेत्र के लिए, विकास के लिए नया सवेरा होगा। फिलहाल चंद्रशेखर के सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो चंद्रशेखर की बयानबाजी से नाराज थे। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन पहले कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे आरोपी आहत थे, और 28 जून को जब उन्हें चंद्रशेखर की गाड़ी दिखी तो उन्होंने पीछा किया और चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चला दी। इस हमले में चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बच गए थे। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।